नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं केकेड न्यूज में। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर बरेली से है, जहां पर डीएम शिवकांत द्विवेदी और एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया रामगंगा चौबारी मेला स्थान पहुंचे, बैठक कर मेला कमेटी और अधीनस्थों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने कहा कि 25 लोगों की कमेटी बनाकर मेले के आवश्यक कार्यों को विभाजन करें और मेले के आकर्षण हेतु धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों को कराने की बात भी वहां पे कही। लखीमपुर खीरी में खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें, यहां भाजपा नेता अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। वहीं पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए राजू पटाखा पर विस्फोटक अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, राजू नाम के व्यापारी की पटाखा फैक्ट्री के गेट पर भाजपा का झंडा लगा था, तो अंदर सीएम और पीएम की फोटो भी लगी थी। बाहर जनसंपर्क कार्यालय का बोर्ड लगा था और अंदर अवैध पटाखों का काम लगा था। खबर पीलीभीत से है, जहां पर एक इंडियन आर्मी की बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। इस सड़क हादसे में दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि बस जवानों को चंपावत से लेकर लखनऊ जा रही थी। बस में एक दर्जन से अधिक जवान सवार थे। ये घटना माधो टांडा थाना क्षेत्र के खारजा नहर मोड़ के पास की बताई जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां निराश्रित महिलाओं को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राधाकुंड वृंदावन मथुरा की 18 महिला आश्रय सदनों की प्रतिनिधियों ने और 400 माताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सभी माताओं को साड़ियां भी वितरित की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, जिला पूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगन सशक्तिकरण विभाग, कौशल विकास, ब्रजगंधा प्रचार समिति और महिला कल्याण विभाग के स्टॉल लगाए गए। खबर बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र में एक युवक अपने दोस्तों के साथ देसी कट्टा लहराते नजर आया। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वहीं वायरल फोटो की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस बल अब आगे की कार्रवाई में जुट गया है। खबर हापुड़ से है, जहां पर दिवाली पर्व को लेकर सतर्कता बरतते हुए एसपी द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सदरपुर पर चेकिंग करने के दौरान मुखबिर से सूचना पर बहादुरगढ़ चौकी प्रभारी ने टीम के साथ एक कार को रोका, जिसमें चेकिंग करने पर 5 युवकों के पास से अवैध तमंचे में कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर देवरिया से, जहां जनपद बरठालाला स्थित बदौड़ा यूपी बैंक, जो पूर्व में पूर्वांचल बैंक के नाम से जाना जाता था, आपको बता दें पुराना भवन काफी पुराना जर्जर हो गया है। वहीं दूसरी मंजिल पर होने के कारण दिव्यांग और वृद्धजनों के आवागमन में असुविधा होती है, जिसको देखते हुए बड़ौदा यूपी बैंक के प्रबंधक के अथक प्रयास और सहयोग से नवीन कार्य स्थल का लोकार्पण कर दिया गया। इस अवसर पर प्रधान, फील्ड ऑफिसर समेत सैकड़ों बैंक उपभोक्ता और व्यवसायी उपस्थित रहे। देखिए, इस बैंक के खुलने का हर्ष मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं इतना बेहद प्रसन्न हूं इस बात से कि मैं बताने में भी असमर्थ हूं। क्योंकि मुझे याद है, एक बार मैं जब बैंक में था और यहां पर विकलांग महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जब आती थी तो मुझे देख करके बड़ा तकलीफ होता था इस बात से, और मैंने मौखिक तौर पर मैनेजर साहब से इस बात को रखा भी था कि मैनेजर साहब, यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं विकलांग को भी आने में। और देखिए, ये प्रभु की कृपा कही जाए और मैनेजर के इस कार्य करने की शैली को कहा जाए, जो इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने मात्र 4 से 5 महीने के अंदर जो है सो उन्होंने जमीन स्तर पर बैंक खोल करके और हम लोगों को जो है सो ये तोहफा दिया है। चीज, यहाँ बैंक शिफ्ट होने का सबसे बड़ा लाभ जो है ना पब्लिक को है। वहाँ वो भी सही था, बिल्डिंग कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ, चूंकि बैंक 30 साल रहा है और 30 साल वहाँ पे अच्छे से कार्य किया है। लेकिन चूंकि फर्स्ट फ्लोर पर बिल्डिंग थी, वहाँ पे जो दिव्यांग थे, बुजुर्ग थे, उनको आने जाने में दिक्कत होती थी, तो बैंक को यह महसूस हुआ कि इसको जो है मतलब ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट किया जाए, ताकि पब्लिक के लिए कोई समस्या ना होने पाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है बैंक जो है आप प्लस सबसे चीज, बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सही होना बहुत जरूरी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, तब तक बैंक जो है व्यवसाय में वृद्धि नहीं कर सकता। खबर बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के सोमगढ़ गांव में पंडई नदी के कटान से स्थानीय लोग परेशान।
ग्रामीणों का कहना है कि विधायक निधि ने यहां छठ घाट का निर्माण कराया गया था जो कि कुछ दिनों बाद ध्वस्त हो गया और मलबा होने के कारण यहां नदी दो धार में बहने लगी जिससे कटाव का खतरा और बढ़ गया। ग्रामीणों को माने तो नदी दो हिस्सों में बट जाने से यहां काफी नुकसान हो रहा है। स्थानीय मुखिया धीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया है। उन्होंने अधिकारियों से मलबे को हटाने और छठ घाट को दुरुस्त कराने का आश्वासन भी दिया है। यही है कि सीढ़ी आज से 4 साल पहले बना हुआ था हमारे माननीय विधायक साहब खुर्शीद आलम के नेतृत्व में। जब से सीढ़ी बना तब से कटाव, नदी का कटाव शुरू हुआ, हमारे छठ घाट ध्वस्त होने लगा, जिसके चलते आज सीढ़ी बीच नदी में चला गया है। हमारे घाट का क्षतिग्रस्त दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको 2 साल के बाद में यहाँ घाट हो ही नहीं पाएगा, कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। सारी सूचना अधिकारियों के लिए के पास दिया गया है, विधायक साहब को वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को भी दिया गया था, यहाँ तक पेपर अलाउंस भी किया गया था, सब अधिकारियों को दिए देते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई काम आज तक नहीं हुआ धरातल पे, केवल पेपर में दिखाई दिया है धरातल पे। और एक पार जो है ये छठ घाट जहाँ पर लगभग 2 गाँव का लोग जो है सब लोग यहाँ पर आके छठ पूजा करता है, तो कटाव के चलते अब शिफ्ट करना पड़ेगा इस छठ घाट को। लेकिन हम चाहते हैं प्रशासन से, यहीं हम मुखिया हुए तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कि हम यहाँ पर कुछ करें। प्रशासन हमको एक लिखित दे दे कि भाई आपको यहाँ से सीढ़ी को हटा दीजिए और अपना काम आप देख लीजिए, तो हम लोग गाँव के लोग मिलकर मेरे सहयोग से और गाँव के लोगों के सहयोग से हम लोग अपना यहाँ कर्ताओं को उठा के हम कभी। खबर कुशीनगर से है जहां डिप्टी सीएम के आगमन से पूर्व तमकुही राज के विधायक और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। इस दौरान डीएम और एसपी ने भाजपा और भाजपा के विधायक कार्यकर्ताओं का जो बीच बराव था वो कराया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक को शांत रहने की नसीहत दी और कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। कार्यकर्ताओं को था कि हम सभी अंदर जाएं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, परंतु जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का नियम है, नियम के तहत कुछ ही व्यक्ति, चिन्हित व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं। मैं अंदर जा ही रहा था तो एक कार्यकर्ता कहा कि विधायक जी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मैं उतना ही था और हमें पता नहीं था कि कार्यकर्ताओं में क्या रोष है। मैंने कहा क्यों नहीं मैं जा सकता हूँ अंदर, नहीं कार्यकर्ता सब बाहर बा, आप हो रही बाहर। बोले ठीक बा, हम पता करता नहीं क्या बात बा, भाई कार्यकर्ता तो हमारे घर का सदस्य है, कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है अपनी मांग रखने का। अंदर तक भी होता ही रहा। तो मैंने पूछा कि भाई एक कार्यकर्ता अंदर गया है, बाद बाकी कार्यकर्ता बाहर है, तो अगर कार्यकर्ताओं को हम अलाउ करते हैं, मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछा कि अगर कार्यकर्ताओं को अलाउ करते हैं मैं सबको अलाउ करूंगा, नहीं तो कार्यकर्ताओं किसी को नहीं अलाउ करूंगा, पिक एंड चूज क्यों अलाउ करूंगा। कार्यकर्ताओं को था कि हम सभी। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां कागजी घोड़े दौड़ाने में नगर पालिका परिषद मोहम्मदी लगा पड़ा है। आपको बता दें नगर क्षेत्र के अधिकतर सामुदायिक शौचालय बंद पड़े हैं, इन शौचालयों में भीषण गंदगी के कारण लोग उपयोग में नहीं ले रहे हैं। वहीं नवीन मंडी में साल पहले बनकर तैयार हुआ सामुदायिक शौचालय टूटने और उधड़ने भी लगा है, किंतु कुछ शौचालय अभी तक जनता के उपयोग के लिए खोले भी नहीं गए हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हुए, देखते रहिए केकेडी न्यूज।